हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप ही सभी के इस यूट्यूब चैनल कलाम को सलाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के लिए इंग्लिश में द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। दूसरा लॉन्ग आंसर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। एक लॉन्ग आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उसको भी देख लीजिएगा, एक आंसर आपका तैयार हो जाएगा। आज हम दूसरे लॉन्ग आंसर के बारे में बात करते हैं, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किए हैं ये क्वेश्चन तो प्लीज इनको नोट कर लीजिए, और अगर कर रखे हैं तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। राइट, जैसे अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो, पर मस्तिष्क को, माइंड को अपना डाइवर्ट नहीं करना कि ये भी करना है वो भी करना, नहीं, एक आंसर को कहीं से भी याद कर लीजिए। राइट, जहां आपको अच्छा लगे समझ में, क्लियर। ये यहां पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, पर क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, डिस्कस द ट्रायल सीन इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। डिस्कस द ट्रायल सीन, अरे ट्रायल सीन का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों मुकदमा, ट्रायल मुकदमे को बोलते हैं, मुकदमे की प्रक्रिया, मुकदमे का प्रोसेस, मुकदमे की कार्रवाई, इस तरह का, यानी कि मुकदमे वाला जो सीन है उसको डिस्कस करना है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो मुकदमा हुआ था, किस पर मुकदमा हुआ था, एंटोनियो पर। मैंने आपको स्टोरी आधी बताई थी, कोई बात नहीं, कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। क्या होगा, यानी कि जो बेसेनियो, मैंने आपको बताया बेसेनियो और एंटोनियो साथ दोनों अच्छे मित्र थे। बेसेनियो पोर्शिया से प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, अपनी फ्रेंड को बोलता है, उस पैसे के लिए मांगता है, एंटोनियो से पैसा मांगता है कि दोस्त पैसा दे दे मुझे, मुझे पोर्शिया से विवाह करना है। दोस्त के पास, यानी कि एंटोनियो के पास बिल्कुल पैसा नहीं होता उस समय, उसके समुद्र भी सॉरी उसके जहाज भी गए हुए थे, माफ कीजिए मैंने समुद्र बोल दिया, उसके जहाज गए हुए होते, यानी कि बाहर गए हुए थे, गए हुए होते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, एंटोनियो बेसेनियो कहता है, बेसेनियो भाई अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, तू एक काम कर शाइलो के पास चला जा। किसके पास चला जा, शाइलो के पास चला जा, और मेरे कहने से तू पैसे लिया। बेसेनियो शाइलो के पास जाता है। शाइलो क्या होता है, शाइलो एक यहूदी होता है। शाइलो एंटोनियो से बहुत नफरत करता है, बेसेनियो से पैसा मांगता है, पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन बाद में क्या कहता है शाइलो, क्या कहता है कि यदि एंटोनियो पैसा नहीं चुका पाया तो मैं उसके शरीर से 1 पाउंड मांस उतार लूंगा। यदि एंटोनियो समय पर मेरा पैसा नहीं चुका पाया तो मैं उसके शरीर से 1 पाउंड मांस उतार लूंगा। तो बेसेनियो जो एंटोनियो होता है, इस शर्त को मान लेता है कि ठीक है यार, ऐसा हो जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि एंटोनियो को विश्वास होता है कि इतना तो मेरे जहाज वापस आ ही जाएंगे, इसका सारा पैसा वापस कर दूंगा। राइट, तो इस तरह की एक स्टोरी है। लेकिन समय क्या होता है, समय के साथ साथ उसके जहाज डूब जाते हैं एंटोनियो को, तो वो अपना वो पैसा नहीं चुका पाता। फिर क्या होता है, वो समय आता है जब शाइलोक उससे बदला लेने को तैयार है। क्या बताया, शाइलोक उससे बदला लेने को तैयार है, क्योंकि वो उसका पैसा नहीं चुका पाया। क्यों नहीं चुका पाया, कि उसके जहाज सारे समुद्र में डूब गए। राइट, और अब एंड जो शाइलोक है कैसा बदला लेगा, उसके शरीर से 1 पाउंड मांस उतारेगा। तो यही एक लॉन्ग आंसर हमने तैयार किया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए दूसरा, ऐसे क्वेश्चन लिखा था, डिस्कस द ट्रायल सीन इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, या फिर हाउ डज पोर्शिया सेव एंटोनियो। हाउ डज पोर्शिया सेव एंटोनियो, पोर्शिया ने एंटोनियो को कैसे बचाया, कैसे बचाती है, या फिर कमेंट ऑन द प्रोसीजर ऑफ एंटोनियो ट्रायल, कि एंटोनियो के मुकदमे की प्रक्रिया को बताइए, इस पर प्रकाश डालिए, इस पर आप कुछ लिखिए। कमेंट का मतलब लिखना, कमेंट फेसबुक चलाते हो ना, कमेंट करना, कमेंट करना, कमेंट, और जैसे मैं बार बार करता हूँ, कोई दिक्कत हो तो कमेंट लिखिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, तो वही मतलब है कि एंटोनियो को मुकदमे की प्रक्रिया बताइए, पोर्शिया ने एंटोनियो को कैसे बचाया, और मुकदमे प्रक्रिया जो मर्चेंट ऑफ वेनिस में मुकदमे वाली प्रक्रिया, उस पर प्रकाश डालिए, डिस्कस कीजिए। आंसर देखिए, इंट्रोडक्शन हमने लिखा है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ प्ले, जो वेनिस का व्यापारी नाम का जो नाटक है, एक नाटक है, विच स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका शुरुआती बिंदु इज रोमांटिक, यानी कि शुरुआत में ऐसा लगता है रोमांटिक है, बट एंडिंग पॉइंट इज वेरी कॉमिक, लेकिन जो अंत है बड़ा ही सुख, यानी कॉमिक का मतलब आप ऐसे कह सकते हो, यानी कि अंत जो है अच्छा भी है और थोड़ा दुखदायी भी है, यानी कि खुशी हो रही है, यानी कि ऐसा दुख थोड़ा उसको देखकर खुशी होती है। ऐसे एक शब्द मेरे माइंड में, मस्तिष्क में आ रहा है, सुखदायी आनंद, सॉरी सुखदाई अंत, क्या बोला मैंने, सुखदाई अंत, तो आप इसको बोल सकते हो। ये आप समझ ही गए होंगे कि वेनिस का व्यापारी जो एक ऐसा नाटक है जिसका शुरुआती बिंदु तो रोमांटिक लगता है, लेकिन जो अंत का जो बिंदु होता है, आखिरी का जो हिस्सा होता है, वो बड़ा ही आनंदपूर्ण लगता है, और उस आनंदपूर्ण लगता है। राइट, ऐसे बोल सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्ले इज ट्रायल सीन, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है इस नाटक का, वो है मुकदमे की प्रक्रिया।
लेट अस डिस्कस अबाउट इट। आओ चलो इसको डिस्कस करते हैं। फिर से देखिए, द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ प्ले विच इज स्टार्टिंग पॉइंट इज रोमांटिक बट एंडिंग पॉइंट इज वेरी कॉमिक। वेनिस का व्यापारी एक ऐसा नाटक है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका शुरुआती बिंदु बड़ा ही रोमांटिक है, लेकिन अंत का जो बिंदु है बड़ा ही सुखदायी है और आनंदपूर्ण है, ऐसे बोल सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्ले इज ट्रायल सीन। इस लेसन का जो महत्वपूर्ण भाग है, इस लेसन का, इस भाग का जो महत्व, इस नाटक का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है इसकी मुकदमे की प्रक्रिया। लेटस, लेटस का मतलब आओ, लेटस का मतलब आओ, लेटस का मतलब आओ, आओ डिस्कस करें अबाउट इट, आओ इसके बारे में डिस्कस करें। किसके बारे में डिस्कस करें? मुकदमे की प्रक्रिया। अब देखिए जो बीच का हेडिंग है थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान रखिएगा, ध्यान पूर्वक पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ट्रायल सीन ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस। अगर क्वेश्चन आता है कि ट्रायल सीन, तो आप ये वाली हेडिंग लिखोगे, ट्रायल सीन ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस। अगर हेडिंग क्वेश्चन ये लिखा आता है, प्रोसीडर ऑफ एंटोनियस ट्रायल, तो आप और के नीचे जो लिखा है प्रोसीडर ऑफ एंटोनियस ट्रायल, ये वाला लिखोगे। दोनों में से कोई एक लिखा है, मैंने दोनों को लिखकर दिखा दिया, राइट। चलिए पढ़ते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्ले। यह है नाटक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, विच इज बेस्ड ऑन बॉन्ड स्टोरी। जो बॉन्ड कहानी पर निर्धारित है। बॉन्ड स्टोरी क्या है? बॉन्ड, आपकी लेसन में बॉन्ड को रुक्का बोलते हैं, रुक्का, अरे एक तरह की डील, ऐसे समझ लो भाई लोगों, डील समझ लो, डील। बॉन्ड का मतलब डील, कि एक डील पर साइन कर दिए हैं, वो वाला पैटर्न है, कि ये एक बॉन्ड स्टोरी पर आधारित है। इन विच, जिसमें एंटोनियो साइंस, जिसमें एंटोनियो दस्तखत करता है, अक्रूल डील, एक निर्दयी डील पर, निर्दयी रुक्के पर, ऐसा रुका जिसके, मतलब कि जिसको पढ़कर दया, मतलब ऐसा लग रहा हो बिल्कुल ही दया ना आ रही हो सामने वाले को। एंटोनियो इस तरह के एक निर्दयी डील पर साइन कर देता है। इफ ही फेल्स, यदि वह फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, टू पे द मनी विद द 3 months, यदि वह 3 महीने में पैसा चुकाने में असमर्थ हो जाता है, कोमा के बाद देखना, शाइलोक विल टेक अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम हिज बॉडी। शाइलोक उसके शरीर से 1 pound mass उतार लेगा, 1 pound mass ले लेगा। फिर से देखिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्ले विच इज बेस्ड ऑन बॉन्ड स्टोरी। यह नाटक का एक सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है, जिसमें एंटोनियो एक निर्दयी डील पर, निर्दयी रुके पर हस्ताक्षर कर लेता है, कि यदि वह 3 महीने में पैसा देने में असमर्थ हो जाता है, तो शाइलोक उसके शरीर से 1 pound mass उतार लेगा। The time had expired, समय समाप्त हो गया था। The time had expired, समय समाप्त हो गया था। Antonio could not able to return his money, Antonio समर्थ नहीं हो पाया, Antonio उसका पैसा वापस नहीं लौटा सका। So Shylock decided to take revenge from him, तो Shylock ने निश्चय किया उससे बदला लेने का। Revenge का मतलब बदला, revenge का मतलब प्रतिशोध, बदला। मजा आ रहा है ना दोस्तों, बिल्कुल आपको एंजॉय भी करना है और पढ़ना भी। सो शाइलोक डिसाइडेड टू रिवेंज फ्रॉम हिम, शाइलोक ने उससे बदला लेने का निश्चय किया। पोर्शिया इन द गाइज ऑफ लॉयर, जो पोर्शिया थी इन द गाइज ऑफ लॉयर, वकील के वेश भेष के रूप में, वकील वाले कपड़ों में, लॉयर वाले कपड़ों में, केम देयर, वहां पर आई। एंड ऑल टाइप्स ऑफ हर अपील, और सभी प्रकार की उसके दलीलें, अपील, दलीलें, यू आर हर, सब तमाम दलीलों, दलीलें समझ गए, तमाम दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। तो दलीलें अंग्रेजी में अपील। पोर्शिया इन द गाइज ऑफ लॉयर केम देयर एंड ऑल टाइप्स ऑफ हर अपील, पोर्शिया वकील के वेश के रूप में वहां पर आई, और उसकी सभी प्रकार की दलीलें, कुड नॉट चेंज शाइलोक डिसीजन, शाइलोक का निर्णय नहीं बदल सकी। यानी कि हर तरीके से समझाया पोर्शिया ने शाइलोक को, शाइलोक भैया इसको माफ कर दो, आगे नहीं करेगा, पर नहीं, शाइलोक तो मानने को तैयार नहीं है। फाइनली, फाइनली का मतलब अंत में, पोर्शिया अलाउज हिम, पोर्शिया अनुमति देती है, टू टेक अ पाउंड ऑफ फ्लैश, पोर्शिया उसको अनुमति देती है कि हाँ भैया ले लो 1 pound mass, बट लेकिन विदाउट शेडिंग अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, लेकिन खून का एक भी कतरा गिरे बिना, ले लो भैया मांस उतार लो, 1 pound mass, 1 pound mass उतार लो, लेकिन खून का एक कतरा ना गिर जाए नीचे। नाउ शाइलोक आस्क फॉर मर्सी, अब शाइलोक दया की भीख मांगता है, दया के लिए बोलता है कि मुझे माफ कर दो। After accepting all the terms and condition, सारे terms और condition, terms and condition क्या होती है, यानी कि नियमों को मानने के बाद, स्वीकार करने के बाद, he goes to home, वह घर जाता है। आई बात समझ में प्यारे विद्यार्थियों? तो ये है आपका ट्रायल सीन। कुछ चीजें मैंने मिस कर दी होंगी, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा होगा तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और सारी चीजें लिखने लग जाए, तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखो तो यहाँ आपका लॉन्ग आंसर तैयार है। तो चलिए कॉन्क्लूजन को देख लेते हैं। कॉन्क्लूजन लिखा है, दस इस प्रकार पोर्शिया सेव्ड एंटोनियोज लाइफ, इस प्रकार पोर्शिया एंटोनियो की जान बचाती है। रियली
वास्तव में, रियली वास्तव में, द दिस बॉन्ड स्टोरी, ये जो बॉन्ड स्टोरी है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्ले, ऑफ दिस प्ले। इस दिस को यहां पर दो बार दिस लिखा, एक बार काट देना, ठीक है। मैं भी आप ही की तरह हूं, ज्यादा इंटेलिजेंट मत समझ लेना मुझे आप लोग। दस पोर्शिया सेव्ड एंटोनियोज लाइफ, इस प्रकार एंटोनियो की लाइफ को बचाती है पोर्शिया। और वास्तव में ये जो स्टोरी है ये बहुत अच्छी है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है इस नाटक का। तो ये आपका एक लॉन्ग आंसर है, जो आपका ट्रायल सीन है, मुकदमे की प्रक्रिया, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, राइट। अगर आपके कोई सवाल तो मुझे जरूर बताइएगा, लिख दीजिए अपने सवाल कमेंट सेक्शन में जाकर, मैं आपके सवालों के 24/7 बिल्कुल जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। तो अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए, एक समय बहुत कम है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो अपने बैलेंस को, अपनी डाइट को बैलेंस रखिए, यानी कि खाने पीने पर भी ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। क्या बोला? खाने पीने पर भी ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, राइट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, परमपिता परमेश्वर से आप सभी अपने प्रिय विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।